हेलो, मायसेल्फ प्रीति फ्रॉम जीएसटी बैट। आज हम इस वीडियो में आपको जीएसटी बैट के न्यू फीचर्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले जो पहले से हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं वो अपडेट नाउ पे क्लिक करके हमारे इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। उनके भी सॉफ्टवेयर में ये हमने जो फीचर्स ऐड किए हैं वो आ जाएंगे। हम मार्केट में न्यू फीचर और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि आप अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रह सको। सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो हमें एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको एक अट्रैक्टिव सा चार्ट दिखाई देगा जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की सेल और परचेज को इंडिकेट करेगा। इसी के साथ जो ग्रे लाइन है वो आपकी परचेज और जो ब्लू लाइन है वो आपकी सेल को इंडिकेट करेगी। सबसे पहले हम अपनी कंपनी की जो डिटेल्स हैं उसे कैसे फिल करेंगे, इसके लिए हम मोर में जाएंगे। वहां से हम कंपनी पे क्लिक करेंगे और इसमें अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं या फिर आप एक से ज्यादा कंपनी को मैनेज करना चाहते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में, तो आप इसमें बहुत सारी कंपनी बना सकते हैं। ऐड न्यू के ऑप्शन से अपनी कंपनी को ऐड कर देंगे। अगर आप अपनी पुरानी कंपनी को एडिट करना चाहते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन को एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी जो भी डिटेल्स है कंपनी की वो फिल कर देंगे। और इसी के साथ डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना लोगो है वो यहाँ से लोगो फाइल से चूज करके लोगो लगा देंगे और अपने डिटेल्स को फिल कर देंगे और ये सारी डिटेल्स आपके बिल पे शो होंगी, तो मेक श्योर सही हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उसे यहाँ डाल दोगे और टैक्स टाइप में जाकर अपनी टैक्स सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप रेगुलर जीएसटी में आते हो तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे, अगर कंपोजिशन में आते हो तो ये सिलेक्ट कर लोगे। इसी के साथ अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दोगे और साथ में टैक्स टाइप में नो टैक्स कर लोगे। यहाँ से हम अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में लॉगिन कर सकते हैं। साथ में यहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसी में हमारी पूरे ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है, बिलिंग एंड अकाउंटिंग होती है। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और इसी के साथ हमने जो भी अपनी आइटम्स क्रिएट की होती हैं, जो भी हम सेल और परचेज करते हैं, वो सारा डाटा हमारा इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। इसके साथ ये विद डिटेल्स फिल होता है, इस पर हमें अपनी क्वांटिटीज मिल जाती हैं, हमारी कितनी क्वांटिटी बची हुई है स्टॉक की, और साथ में हमें एजिंग भी मिल जाती है, मीन्स कि हमारा कितना पुराना स्टॉक है, कब का है, वो सब हम चेक कर सकते हैं इसमें। इसी के साथ अगर आप डिटेल्स में चेक करना चाहते हैं तो आप उस आइटम पर क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ हम इन्वेंट्री में ब्रांड, साइज और कैटेगरीज डाल सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल ब्रांड, कैटेगरीज और साइज मैनेज करने हैं तो हम इन्हीं में डाल देंगे। सबसे पहले हम ब्रांड में जाएंगे, यहाँ से हम अपना ब्रांड ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको ब्रांड वाइज डिस्काउंट भी चाहिए तो साथ में आप ब्रांड ऐड करते टाइम डिस्काउंट भी डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से हम अपने साइजेस को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में हम अपने कैटेगरी को ऐड करेंगे और साथ में अगर आप कैटेगरी में कैटेगरी वाइज डिस्काउंट चाहते हैं तो कैटेगरी ऐड करते टाइम हम डिस्काउंट डाल देंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिटेल शॉप वाले हैं लाइक फुटवेयर और गारमेंट्स वाले, उनके लिए कंडीशन सेट है कि 1000 से बिलो उन्हें 5% जीएसटी लगेगा और उसके ऊपर 12%, तो साथ में अगर वो चाहते हैं तो यहीं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जो आइटम्स का स्टॉक आपके पास पहले से पड़ा हुआ है उसे हम इन्वेंट्री में ऐड आइटम के ऑप्शन से ऐड करेंगे। इसी के साथ हम अपनी जो भी डिटेल्स है प्रोडक्ट की वो फिल कर देंगे। इस पर बारकोड ऑलरेडी प्रिंट है तो आप उसे यहाँ डाल दोगे। अगर सॉफ्टवेयर से जनरेट करना चाहते हो तो इसे खाली छोड़ दोगे और जो आपको नेट सेल दिख रहा है ये इंक्लूड टैक्सेस है और जो रेट है ये विदाउट टैक्स। जो आपको ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है इसमें हम अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे और साथ में उसका परचेस रेट डाल देंगे। इसी के साथ आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है, ये हमारी मिनिमम स्टॉक वैल्यू होती है कि हमारा स्टॉक इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो ये हम ऑटोमेटिक इंडिकेट कर देता है जो कि हमारे परचेज ऑर्डर बनाने में हेल्पफुल होता है। अगर आप अपने आइटम्स के बारकोड को जनरेट करना चाहते हैं तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्टली सिस्टमेटिकली आप अपनी परचेज को ऐड करेंगे, देन उसके बारकोड को जनरेट करेंगे जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। और इसी के साथ दूसरा मेथड है जो हमने न्यू फीचर अपडेट किया है, डायरेक्टली बारकोड जनरेट फ्रॉम इन्वेंट्री। इसमें आप बारकोड जनरेट बारकोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ये प्रिंट बारकोड वाला पेज दिखाई देगा। इसमें आप अपनी क्वांटिटी के जितने बारकोड जनरेट करना चाहते हैं इस बॉक्स में अपनी क्वांटिटी डालेंगे, देन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और बारकोड जनरेट कर देंगे। अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी के एक साथ बारकोड जनरेट हो जाएंगे और प्रिंट बारकोड पे क्लिक करके बारकोड प्रिंट कर लेंगे।
बारकोड कस्टमाइजेशन के लिए हम बारकोड की सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से हम अपने बारकोड की सेटिंग्स कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना कंपनी का नेम भी डाल सकते हैं बारकोड में। यहाँ से हम MRP भी शो कर सकते हैं, सेलर इनवॉइस नंबर भी, क्वांटिटी शो कर सकते हैं। साथ में नीचे आपको क्रिप्टो कोस्ट दिखाई दे रही है जो कि इनक्रिप्टेड होती है। इसमें आपको जेड का मतलब 0 है, ए का मतलब 1 है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और सेटिंग्स को सेव कर देंगे। अगर आपके पास बारकोड प्रिंटर नहीं है तो आप नॉर्मल प्रिंटर, इंकजेट या फिर लेजर पे भी बारकोड प्रिंट कर सकते हो A4 लेबल शीट पे। तो आप नीचे दिए गए लिंक से भी बाय कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सेल्स, तो अब हम सेल्स पे क्लिक करेंगे। अभी आप सेल्स को फुल व्यू में देख पाओ इसलिए मैं यहाँ से हट जाती हूँ। हम अपनी सेल्स को माउस से भी ऑपरेट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी, लेकिन हम आपको कीबोर्ड से ऑपरेट करने के लिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि इससे आपकी बिलिंग और भी फास्ट हो जाती है। जो होलसेलर होते हैं वो अपने कस्टमर को बाय नेम याद रखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम टाइप कर लेंगे। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उन्हें हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे और जो न्यू कस्टमर हैं उनकी हम डिटेल्स फिल कर देंगे। जो रिटेल शॉप वाले होते हैं उनके पास सेम नेम के बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो हम उन्हें मोबाइल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, अगर न्यू कस्टमर है तो हम उसका नेम फिल कर देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। एड्रेस अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देन एंटर प्रेस करके डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे। अपनी आइटम को टाइप करके भी डाल सकते हो बाय नेम या फिर रेट से भी उसे सर्च कर सकते हो और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप बारकोड स्कैन करके भी अपनी आइटम डाल सकते हैं। आप बारकोड को कहीं भी स्कैन कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक बारकोड बॉक्स में चला जाएगा। अब हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे। पेमेंट इन कैश में आप कैश डाल देंगे, जितना कस्टमर आपको देके गया है और चेंज गिवन में आ जाएगा आपको उसको कितने पैसे वापस करने हैं। सेकंड केस, पेमेंट इन कैश में अगर कस्टमर आपसे पूरा सामान उधार में लेके जाता है तो 0 कर देंगे। और थर्ड केस, अगर कस्टमर आपको थोड़ी पेमेंट देके जाता है तो यहाँ पे डाल देंगे पेमेंट इन कैश में और बाकी उसका बैलेंस बन जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो किसी कस्टमर को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो आप फर्स्ट वाले का बिल होल्ड करके सेकंड वाले को बिल इशू कर सकते हैं। सेल्स में आपको होल्ड और व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप होल्ड से अपना बिल होल्ड कर सकते हैं और व्यू से आप अपना होल्ड किया हुआ बिल व्यू कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके पास गुड्स एक्सचेंज करवाने आता है तो उसकी प्रोसेस भी सेम है जस्ट लाइक सेल। तो जो वो गुड्स एक्सचेंज करवा रहे हैं उसकी क्वांटिटी आप नेगेटिव में डाल दोगे और जो वो आपसे ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम पॉजिटिव में डाल देंगे। और जो आपको इनवॉइस टोटल दिख रहा है, टोटल अमाउंट, अगर वो पॉजिटिव में होगी तो कस्टमर आपको पैसे देगा, अगर वो आपको अमाउंट नेगेटिव में दिख रही है तो आपको कस्टमर को पे बैक करने पड़ेंगे। अगर हम अपनी सेल इनवॉइसेस को देखना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे, सेल इनवॉइसेस में जाएंगे। यहाँ से हम अपनी सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ तक देखनी है। यहाँ पे हमें अपनी सभी इनवॉइसेस दिख जाएंगी, पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी इनवॉइस को व्यू कर सकते हैं। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम अपनी पर्टिकुलर इनवॉइस पे प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो शो प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें उसकी कॉस्ट दिख जाएगी और साथ में प्रॉफिट भी दिख जाएगा। इसी के साथ नीचे टोटल कॉस्ट और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी दिख जाएगा। अगर हम अपनी इनवॉइस को सर्च करना चाहते हैं तो इनवॉइस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं या फिर पार्टी के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। हम अपनी इनवॉइस को किसी भी पेपर पे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम मोड में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी इनवॉइस को A4, A5 या फिर थर्मल प्रिंटर 3 इंच, 2 इंच, यहाँ से आप अपनी इनवॉइस में एक और कॉलम ऐड कर सकते हो, ग्रोथ या नेट का। इनवॉइस में जो @ नेट रेट आता है उसे आप यहाँ से यस नो कर सकते हो। यहाँ से आप अपने इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप कैटेगरी यस नो कर सकते हो, साथ में पार्टी बैलेंस शो करवा सकते हो। यहाँ से आप परचेज टैब में सेल प्रॉफिट मार्जिन ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप सेल टैब में डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर सकते हो जिसमें आप EMI नंबर, सीरियल नंबर डाल सकते हो। यहाँ से आप सेल टैब में परचेज रेट भी शो करवा सकते हो, यहाँ से आप लास्ट सेल रेट अपडेट कर सकते हो, यहाँ से आप ब्रांड साइज चूज कर सकते हो और यहाँ से आप ऑटोमेटिक पेमेंट इन कैश का ऑप्शन को यस कर सकते हो, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर के डार्क थीम ऑन कर सकते हो। स्टॉक चेक करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी आइटम्स का स्टॉक चेक करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टॉक चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
अगर आपको सभी आइटम्स का स्टॉक चेक करना है तो आप और पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना सेल, परचेज, सभी का आइटम वाइज स्टॉक आ जाता है, कितनी आपने आइटम सेल की हैं, परचेज की हैं या फिर कितनी आइटम आपके पास बची हुई हैं। अगर आपको इन्हीं के साथ अपना प्रॉफिट भी देखना है तो आप शॉप प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, आपको प्रॉफिट में मिल जाता है। और एवरी ऑप्शन जो भी है इस स्टॉक में वो आपको एडिट फीचर के साथ मिलता है, आप अपने स्टॉक को एडिट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल्स देखनी है तो आप पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे और बाहर आने के लिए एस्केप बटन क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा हमने परचेज की हैं या फिर कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा हमने सेल की हैं या फिर स्टॉक में हमारी कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है या फिर सबसे कम है। इसलिए हम यहाँ से इसे सॉर्ट करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम कौन सी है या फिर सबसे कम बिकने वाली आइटम कौन सी है या फिर हमारे स्टॉक में कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है। स्टॉक समरी में हम स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ भी चेक कर सकते हैं। हम आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्रोसेस बताएंगे। यहाँ से अपडेट नाउ के ऑप्शन से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक से। ऐसा फीचर आपको बहुत ही कम सॉफ्टवेयर में, ना के बराबर ही मिलेगा। आपका सॉफ्टवेयर वन क्लिक से अपडेट होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस देती रहती है और साथ में हम भी अपने सॉफ्टवेयर में नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ये फीचर बहुत ही ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़ है और बिलिंग और अकाउंटिंग जैसे कॉम्प्लेक्स काम भी आप इसमें ईजिली मैनेज कर सकते हैं। साथ में ये आपको लाइफ टाइम असेस के साथ मिलेगा। चलिए अब हम अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंट मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सॉफ्टवेयर से अकाउंट्स मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें अकाउंट्स के सारे फीचर दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम क्लाइंट्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें क्लाइंट शो हो रहे हैं, उसका नेम बैलेंस शो हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका अकाउंट ओपन हो गया जिसे हम लेजर भी बोलते हैं। उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स हमें नीचे दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे अगर वो हमें कैश में पे कर रहा है। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, नरेशन में डाल देंगे कुछ भी डालना है और उसके अकाउंट से पैसे गोज आउट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स दिख रही हैं। उसका पहले 400 बैलेंस था, अभी उसने 200 पे किया है तो अभी 200 बचा है। वैसे सेम प्रोसेस सप्लायर्स के लिए, हम सप्लायर्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें इनका बैलेंस दिख रहा है जो हमें इन्हें देना है, तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मैनेज अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने बैंक का नेम लिख देंगे और साथ में हम ग्रुप्स में जाके बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। के साथ इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे इसे एडिट करके। अब हम इसे एडिट करेंगे, यहाँ पे हम इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे जितना हम डालना चाहते हैं। ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब हम सप्लायर्स में जाएंगे, जिसको भी पैसे देने हैं उसका पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका अकाउंट ओपन हो गया। नीचे हमें उसकी अकाउंट की सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं और इसी के साथ अब हम ऊपर उसका अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको देने हैं। नीचे जैसे देने हैं, जैसे हम बैंक से दे रहे हैं तो उसका अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नरेशन में जैसे हम बैंक से दे रहे हैं तो हम चेक नंबर डाल देंगे और साथ में उसके अकाउंट में कम्स इन कर देंगे और कम्स इन करने के बाद अब हम इसे सबमिट कर देंगे। सप्लायर के अकाउंट की सारी डिटेल दिख रही है, साथ में चेक नंबर भी दिख रहा है। अभी उसका बैलेंस जीरो हो गया और SBI में 20,000 था बैलेंस और अभी इतना बचा है। अब हम अपने एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मैनेज अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ से हम अपनी लेजर क्रिएट कर लेंगे एक्सपेंस की। सबसे पहले मैं अपना कोई भी एक्सपेंस डाल लेती हूँ, जैसे मैंने पेट्रोल का डाल दिया। और यहाँ से ग्रुप में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे और हम अपनी लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से मैं अपना एक और एक्सपेंस ऐड कर देती हूँ सैलरी का और इस अकाउंट को क्रिएट कर दिया। अगर आप इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहीं से भी क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ऊपर क्लिक किया तो पेट्रोल का अकाउंट आ गया, नीचे अगर हम कैश से पे कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब हम कम्स इन में डाल देंगे पेट्रोल के और इसे सबमिट कर देंगे। अभी पेट्रोल का अकाउंट ओपन हो गया, नीचे हमें सारी डिटेल्स दिख रही हैं। इसी तरह से हम अपने दूसरे एक्सपेंस भी डाल लेंगे, जैसे सैलरी का ऊपर अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, नीचे कैश। यहाँ पे नरेशन में हम
अपने एम्प्लॉय का नेम दे देंगे जिसको हम सैलरी दे रहे हैं और उसके कम्स इन में डाल देंगे जितनी हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं और सबमिट कर देंगे। इसी तरह से अगर हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो हम दूसरे का भी अकाउंट ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, नरेशन में उसका नेम दे देंगे और साथ में उसके कम्स इन में अमाउंट डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हम अपने सैलरी के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी और साथ में बैलेंस भी शो हो जाएगा। और अब हम अपने प्रॉफिट और लॉस में चलते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी एक्सपेंस होंगे वो हमें दिख जाएंगे, साथ में हमें नेट प्रॉफिट भी दिख जाएगा, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, और जो भी हमारी सेल परचेज और लॉस होंगे वो हमें सभी यहीं दिखेंगे। इनवॉइसेस, इन्वेंट्री, क्लाइंट्स सभी को इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी एक्सेल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हम आपको इन्वेंट्री इम्पोर्ट करने के एग्जाम्पल देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट को, एक्सेल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम इस एक्सेल शीट में अपनी वैल्यूज को फिल कर लेंगे और इसी एक्सेल शीट को हम अपनी सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में हम अपने यूज़र को कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम मोर में जाएंगे, यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपने यूज़र को ऐड करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक करके। इसके लिए हम अपने यूज़र की सबसे पहले डिटेल्स को फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद हम उनको पर्टिकुलर परमिशन असाइन करेंगे, जैसे आप उन्हें सेल और परचेज की परमिशन देते हो। साथ में आप उन्हें पर्टिकुलर कंपनी की परमिशन भी दे सकते हो कि वो पर्टिकुलर कंपनी में लॉगिन कर पाएँ और किसी में लॉगिन ना कर पाएँ। और इसी के साथ हम इसे सेव कर देते हैं और बाहर आने पर हम अपने मल्टी यूज़र को अनेबल कर लेंगे यस करके। मल्टी यूज़र अनेबल करने के बाद जब भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो मेक श्योर हम सबसे पहले एडमिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड मैनेज कर लें। इसके लिए हम यूज़र वन को एडिट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने एडमिन की डिटेल्स डाल देंगे, आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे कोई भी परमिशन असाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब है इसे सारी परमिशंस हैं, और इसे सेव कर देंगे। अब हम बैकअप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको होम स्क्रीन पे ऑटो बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना बैकअप चेंज पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। आप इसे किसी में भी सेट कर सकते हैं, चाहे डी ड्राइव में, चाहे पेन ड्राइव में, चाहे क्लाउड में, जिसमें आप चाहो। और साथ में हम टेक बैकअप पे क्लिक करके अपना बैकअप ले सकते हैं। अब हम लॉयल्टी प्रोग्राम और डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मोर में जाएंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है। अगर कोई भी कस्टमर आपसे परचेस करता है, जैसे वो आपसे 2000 की परचेस करता है, आप उसके लिए कंडीशन सेट कर दोगे कि उसे 2000 की परचेस करने पर 200 रुपीस डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो डिस्काउंट उसे नेक्स्ट टाइम आने पर मिलेगा। तो इसी तरह से हम इस फीचर को सबसे पहले अनेबल कर लेंगे यस करके, और इसी के साथ कितने डेज में उसका लॉयल्टी प्रोग्राम एक्सपायर हो जाएगा, और इसी के साथ हम कंडीशन सेट कर लेंगे 2000 की परचेज पर 200 रुपीस डिस्काउंट, और इसे हम सेव कर लेंगे। और साथ में नीचे हमें डिस्काउंट का ऑप्शन दिखाई देता है, इसे भी हम, अगर आप ब्रांड वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इसे अनेबल कर लेंगे यस कर देंगे। सेल के टाइम कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स उसके SMS में भी शो होंगे और साथ में उसके बिल में भी। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए एक और खुशखबरी है, हम अपने नेक्स्ट अपडेट में आपको लॉयल्टी कार्ड्स वाला फीचर देने वाले हैं, जिसमें आप अपने कस्टमर को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा कार्ड इशू कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को बैलेंस ड्यू SMS सेंड कर सकते हैं, जिनका बैलेंस ड्यू है। मोर में जाएंगे, बैलेंस ड्यू SMS में जाएंगे, यहाँ से आपको वही कस्टमर दिखाई देंगे जिनका बैलेंस ड्यू है। यहाँ से आप सभी को भी सेंड कर सकते हैं ऑल पे क्लिक करके, या फिर अगर आप पर्टिकुलर को सेंड करना चाहते हैं तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और साथ में मैसेज को सेंड कर देंगे। यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है ब्रैकेट में, ये पार्टी का बैलेंस होगा, जो ड्यू पड़ा हुआ है ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर से आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं, जिसके लिए आप मोर में जाएंगे, कस्टम SMS में जाएंगे, यहाँ से आप अपना ऑफर टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में जो नेम दिख रहा है, यहाँ पे कस्टमर का नेम ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ऑफर सभी को सेंड करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, अगर पर्टिकुलर को सेंड करना चाहते हैं तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन सेंड कर देंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।